Assalamu alaikum guys, hope you all are good. So आज हमारा टॉपिक है कार्पल बोन्स, और कार्पल बोन्स हम स्टडी करेंगे एटलस एनाटॉमी से, राइट? तो अब हम जाते हैं अपने एटलस एनाटॉमी में कार्पल बोन्स की तरफ। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो अगर आप देखें कार्पल बोन्स, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कार्पल बोन्स कौन सी साइड पे। तो ये मेरा हाथ है, और हाथ में आप लोगों को पता है ये थंब है, राइट? और ये वाला जो है, ये हमारे पास क्या है, लिटल फिंगर है, थम्स। तो थंब की साइड पर हमने बोला था हमारे पास फोर आर्म में कौन सी बोन्स लगी है, रेडियस है, और लिटल फिंगर जो है उसकी साइड पर कौन सा बोन है, यानी हमारी मिडिल साइड हमारे पास जो बोन्स है फोर आर्म का वो कौन सा है, वो है अल्ना। तो इनके दरमियान ये जो कलाई की जो बोन्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल बोन्स। तो ये हमारा पल्मर है, प्लम कहते हैं इसको, प्लम है। अब हम इसको इसी तरह रखेंगे, और यहाँ पर कलाई की जो बोन्स है इसको इसी तरह स्टडी करेंगे। ये हमारे पास कौन सा, ये हमारा एंटीरियर वीव है, राइट? बैक साइड हमारा पोस्टीरियर वीव है। तो हम पहले एंटीरियर वीव की तरफ देखें से स्टडी करेंगे, और फिर पोस्टीरियर वीव की तरफ से स्टडी करेंगे। तो ये यहाँ पर नंबर वन पर अगर आप देखें, तो ये आप हमारे पास जो बोन्स है, इस वन जो है ये हमारे पास कौन सा आता है, ये फिंगर है सारे, ठीक है? फिंगर में आपके पास का मीटा कार्पल बोन्स है, और ये हमारे पास क्या है, कार्पल्स। पहले क्या होता है, फोर आर्म, फिर कार्पल्स होते हैं, और उसके बाद मीटा कार्पल्स होते हैं। खैर, अभी इस तरफ आते हैं। तो चार बोन्स हमारे पास, टोटल हमारे पास एट बोन्स होते हैं। चार बोन्स नीचे होते हैं और चार बोन्स ऊपर होते हैं, ठीक है? यानी फर्स्ट फिर चार बोन्स, फिर उसके बाद फिर क्या होते हैं, फिर आपके पास चार बोन्स होते हैं। तो आठ बोन्स टोटल कार्पल बोन्स कितने होती है, आठ बोन्स होते हैं। पहले बोन्स हमारे पास जो है इसको हम लोग नाम देते हैं स्केफाइट का, यानी जो अल्ना की साइड पर है, थंब की साइड से इंटीरियर तरफ हमारे पास पहला बोन्स है उसका, वो कौन सा, स्केफाइट। और दूसरा हमारा जो बोन है स्केफाइट के बाद, दूसरा हमारे पास जो बोन है वो कौन सा है, ल्यूनेट। तो स्केफाइट, उसके बाद ल्यूनेट, और तीसरा कौन सा होगा, ट्राइकोएट्रम पीसीफॉर्म। स्केफाइट, ल्यूनेट, ट्राइकोएट्रम पीसीफॉर्म। स्केफाइट, ल्यूनेट, ट्राइकोएट्रम पीसीफॉर्म। स्केफाइट, ल्यूनेट, ट्राइकोएट्रम पीसीफॉर्म। तो आपने याद करना क्या चीज, स्केफाइट, ल्यूनेट, पीसीफॉर्म, ट्राइकोएट्रम। उसके बाद जो ऊपर जो बोन्स है वो हो, उसका नाम क्या है, फर्स्ट जो होगा हमारे पास ट्रापीजियम, दूसरा होगा ट्रापेजॉइड, फिर क्या है, कैपिटेट, और फिर हेमेट। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। तो ये फर्स्ट जो है वो ये नीचे है, और ये वाली जो बोन्स है ये ऊपर है। तो पहले नीचे बोन्स, फिर ऊपर। तो नीचे हमारे पास कितने हैं, वन टू थ्री एंड फोर। पहले हमारे पास स्केफाइट, ल्यूनेट, फिर ट्राइकोएट्रम और पीसीफॉर्म। ऊपर हमारे पास फिर क्या है, ट्रापीजियम, ट्रापेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। तो अब आप लोग ये सोचेंगे यार इतने मुश्किल नाम है, इनको हम किस तरह जो है याद करें। तो ये बहुत, इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, वो मैं आपको अभी इधर ही बता लेता हूँ। तो ये मैंने इधर ऑलरेडी लिखा भी है, शी लुक टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। तो पहले हम चार नीचे जो बोन्स है उनको देखेंगे। तो शी लुक टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, तो शी से एस आ गया, लुक से एल, टू टी से यानी टू आ गया, और पी से प्रीटी, ठीक है? ट्राई टू कैच हर, ट्राई टू कैच हर। तो पहले आपने कह रहा है स्केफाइट, एस ए, ल्यूनेट, ट्राइकोएट्रम और पीसीफॉर्म। स्केफाइट, ल्यूनेट, ट्राइकोएट्रम, पीसीफॉर्म। शी लुक टू प्रीटी, स्केफाइट, ल्यूनेट, ट्राइकोएट्रम, पीसीफॉर्म। फिर ऊपर वाली जो है ये हमारे पास क्या होगा, ट्रापीजियम, ट्राई टू कैच हर, ट्रापीजियम, ट्रापेजॉइड, सी से कैपिटेट, और फिर ऐसे हेमेट। सो ट्रापीजियम, ट्रापेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। सो ये हमारे पास था कार्पल बोन्स की एंटीरियर साइड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।
तो अब हम इसका पोस्टीरियर अगर आप देखें तो पोस्टीरियर पर एक बार नज़र डालते हैं, तो वही है बस। अगर मैं इसको अपना ये पोस्टीरियर साइड लिखो तो पोस्टीरियर में हमारे पास एक है थम, ये और ये वाला क्या है, ये लिटल फिंगर है। तो थम जो है उसके साइड पर जो फोर आर्म की बोन्स होती है वो कौन सी होती है, रेडियस, और लिटल फिंगर है जो उसके साइड पर जो बोन्स होगा वो आपके पास होगा अल्ना, अल्ना होगा। और मिड में जो है ये हमारे पास कौन सी आठ बोन्स होती है, इनको कार्पल बोन्स कहते हैं, कार्पल आठ बोन्स होती है, राइट। तो थम्स के फर्स्ट जो यानी अल्ना की जो बोन्स है वो हमारे पास क्या है, केपीटी स्केफाइट से स्टार्ट होगी, स्केफाइट, राइट। उसी तरह आपने फार्मूला याद करना है, शी लुक टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, ये आपके पास फार्मूला है। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, स्केफाइट। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये हमारे पास अल्ना क्या है, अगर आप देखें तो ये मेरा अल्ना इधर आता है, लिटिल फिंगर अल्ना की तरफ आते हैं, तो मैं इस एग्जैक्ट इस पोजीशन से स्टडी करूँगा, ठीक है। और ये रेडियस जो है ये इस साइड पर आता है, तो ये इसी तरह एग्जैक्टली डायग्राम बनाया हुआ है नीचे। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है अल्ना, और ये हमारे पास है रेडियस, राइट। तो रेडियस के साइड पर हमारे पास क्या होगा, थम होगा, ये या आपने याद रखना है। और थम की साइड पर पहला जो बोन है ये हमारे पास क्या है, स्केफाइट। तो हम कहेंगे ये स्केफाइट है, राइट, स्केफाइट। और उसके बाद हमारे पास क्या है, स्केफाइट ल्यूनेट ट्राइक्वेट्रम, ट्राइक्वेट्रम एंड पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म, ठीक है। तो स्केफाइट ल्यूनेट ट्राइक्वेट्रम, तो पीसी फॉर्म यहाँ पर थोड़ा पीछे आता है, इस वजह से यहाँ पर वो नहीं है दिया है इस डायग्राम में। फिर ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास क्या होता है, ट्राई टू के छर ट्रापीजियम ट्रापेजाइट कैपिटेट हेमेट। तो ये हमारे पास इसका है पोस्टीरियर। तो बस इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक ही मेन पॉइंट इसमें एक ही है वो याद रखना है कि रेडियस की साइड पर जो बोन्स है वो आपके पास जो उस रेडिस के साइड पर जो फर्स्ट बोन है वो कौन सा है, स्केफाइट है, चाहे आप उसका इंटीरियर साइड से देखते हैं या पोस्टीरियर साइड से देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, इफ़ यू रियली गेन एनी पॉइंट सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन एंड ऑल्सो लाइक। थैंक यू सो मच।